Hello students, in this question the major product formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane. 2-bromopentane, 1, 2, 3, 4, 5 carbon. यहाँ पे Br लगा हुआ है. So this is CH2, this is CH, this is CH3, H2CH3. वो बोल रहे हैं कि जब हम इसका dehydrohalogenation करवाते हैं तो आपका pentane major product क्यों बनता है. बेसिकली इसके आपके दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. यू कैन ईदर गेट अ डबल बॉन्ड, या तो हाइड्रोजन आपका यहाँ से चला जाए या यहाँ से चला जाए. सपोज यहाँ से चला जा रहा है तो सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट. तो फर्स्ट वन विल बी CH3CH2, CH डबल बॉन्ड CH CH3. ये है आपका pentane. और अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ से जाए टर्मिनल वाले कार्बन से तो इट विल बी CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज pentane या pentane. वो कह रहे हैं कि pentane ही आपका मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है. ये बनता है ड्यू टू दी सेट्जेफ्स रूल, कि आपकी एल्कीन वहां बनेगी जहां पे वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी. हाईली सब्स्टिट्यूटेड कैसे, जिसपे उस पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पे ज्यादा हो. हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखें, ये भी कार्बन अल्फा है डबल बॉन्ड से. जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको नहीं लेते, उसके से स्टार्ट होने वाला पहला कार्बन इज अल्फा, और ये भी आपका अल्फा कार्बन है. तो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है. नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे सिर्फ ये एक अल्फा कार्बन है, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऊपर वाले में सबसे ज्यादा होगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को बढ़ा देती है. तो सेट्जेफ रूल ये कहता है कि अगर आपका एलिमिनेशन से, यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन से अगर आपकी एल्कीन बन रही है, सो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड. इफ अगर कोई और फैक्टर इन वर्क है तो अलग बात है. इफ ओनली दिस इज वर्किंग then more substituted alkene will be formed. So this is due to the Sedzeff's rule. So the option A is correct. Thank you.